हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो देखते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आई एन जो डिनोट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि साइन पे जो पावर है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पे एन पावर है इसलिए यहाँ पे डिनोशन एन है। अगर यहाँ पे एन माइनस वन होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई एन माइनस वन। ओके, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, साइन एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, अब दो फंक्शन आ गया एक्स का जो कि प्रोडक्ट में है। और हम लोग ये इंटीग्रेशन में जानते हैं कि जब भी कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है इंटीग्रेशन में, तो वहाँ पे क्या लगता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। उसके लिए हम मुझे दो फंक्शन सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकेंड फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हम लोग एज्यूम करेंगे और इस फंक्शन को हम लोग लेंगे सेकेंड फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ईजी है। सेकेंड फंक्शन को हम लोग पहले इंटीग्रेट करते हैं। ओके, चलिए तो बाय पार्ट्स लगाते हैं यहाँ पे। तो पहले क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, और ये जो फंक्शन है इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स का ये हो जाएगा एन माइनस वन साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स, ठीक है। और फिर साइन एक्स के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स, ये चेन रूल है, ठीक है। यहाँ पे चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया हम लोग, और ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है साइन एक्स डी एक्स, और इस पूरे को फिर से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं डी एक्स, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने यहाँ लगा दिया, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये होगा माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स, यहाँ पे ये n माइनस वन तो कांस्टेंट है, इसे हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं। इंटीग्रेशन ये हो गया साइन n माइनस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, और इस साइन x का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, सेम है यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्रोडक्ट होके प्लस हो जाएगा, और ये कॉस एक्स और कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख देते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये एन माइनस वन को ऐसे रहने देते हैं, ये हो गया साइन एन माइनस टू एक्स। अब यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो उसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसे इसके साथ एक बार प्रोडक्ट करेंगे, एक बार इसके साथ, और इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो देखते हैं क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन एक्स इंटीग्रेशन वन के साथ, तो क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर माइनस एन माइनस वन, ये एन माइनस वन इंटीग्रेशन, ये साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा टू इसमें, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल रहा है अभी तक, आई एन आ रहा है, ये आई एन का वैल्यू है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब जब यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि ये जो एन स्टैंड करता है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि साइन टू द पावर कितना है। यहाँ पे अगर साइन टू द पावर हम लोग देखें तो फंक्शन इसी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे साइन का पावर क्या है, एन माइनस टू। तो क्या हम लोग इस फंक्शन को आई एन माइनस टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, आई एन माइनस टू लिख देंगे, और यहाँ पे फिर से ये फंक्शन तो सेम है, इसे क्या लिख देंगे, आई एन लिख देंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, आई एन इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन, ये क्या है, आई एन माइनस टू, ठीक है, माइनस एन माइनस वन, और ये क्या है मेरा, आई एन है। अब लेफ्ट हैंड साइड भी आई एन है, राइट हैंड साइड भी आई एन है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन, और यहाँ पे एक प्लस वन आई एन,
इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स, और ये हो गया मेरा प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। ठीक है, इसे जब सॉल्व करें तो ये वन वन कैंसिल, तो एन बच गया, तो एन आई एन का वैल्यू ये है, तो आई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो एन है ये डिवाइड हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एन कॉस एक्स साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटू आई एन माइनस टू। ठीक है बच्चों, ये क्या है माइनस टू, तो ये क्या आ गया मेरा, ये हो गया रिडक्शन फॉर्मूला साइन टू द पावर एन एक्स का। ठीक है, तो ये मेरा आ गया रिडक्शन फार्मूला। क्या किया हम लोग, बस साइन टू द पावर इसे एन माइनस वन एक्स लिख दिए और साइन एक्स, और यहाँ पे क्या लगा दिए बाई पार्ट्स। ओके, बस बाई पार्ट्स को अप्लाई किया, सॉल्व किए, फाइनल आंसर आ गया। अब सेम मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कॉस टू द पावर एन एक्स का, जब रिडक्शन फार्मूला निकालना हुआ तो, चलिए उसको भी देखते हैं अभी हम लोग। तो अब हम लोग रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स का। ठीक है, सेम मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या, दो फंक्शन एक्स का प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगेगा, तो पहले फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो इसे हम लोग मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे मानेंगे सेकेंड फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं कॉस एक्स का डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग लिखेंगे कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन, फिर एक इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लिखना होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, चैन रूल से एन माइनस वन कॉस टू द पावर एन माइनस टू एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और क्या करना, ये इंटीग्रेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स, तो इसे डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, साइन एक्स डी एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स माइनस, यहाँ पे एक माइनस, यहाँ एक माइनस, ये प्लस हो जाएगा फिर से। ठीक है, और ये एन माइनस वन क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो गया मेरा कॉस टू द पावर एन माइनस टू एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस केस में क्या करेंगे, अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन कॉस एन माइनस टू एक्स इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और फिर से क्या करना, इस इंटीग्रेशन को एक बार वन के साथ, फिर एक बार कॉस स्क्वायर के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना अलग अलग, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन कॉस एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन माइनस वन इंटीग्रेशन कॉस एन माइनस टू और कॉस स्क्वायर एक्स, जब प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सेम मेथड। अब फिर से इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आई एन माइनस टू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आई एन हो जाएगा, तो ये मेरा आई एन था, आई एन का वैल्यू क्या आया अभी तक, कि साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन, और ये क्या है, आई एन। फिर से यहाँ भी आई एन है, यहाँ भी आई एन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एन माइनस वन इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन आई एन, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। तो यहाँ से मेरा जो फाइनल इंटीग्रेशन, जो रिडक्शन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, इस एन को इधर डिवाइड करेंगे, तो वन अपॉन एन साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू। तो ये क्या आ गया मेरा रिडक्शन फॉर्मूला, आ गया किसका, तो कॉस टू द पावर एन एक्स का। ठीक है, तो ऐसे हम लोग साइन और कॉस के रिडक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेन का देखेंगे, कॉट का देखेंगे, फिर सेक टू द पावर एन का देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।